حامدا مصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चौथा पारा, इसकी शुरुआत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च नहीं करोगे हरगिज़ भलाई को नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथे पारे का जो इख्तिताम है वो इस आयत पर है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातिल अखी व बनातिल उख्ती, यानी हम किन किन से शादी नहीं कर सकते हैं, निकाह नहीं कर सकते हैं, वो फहरिस्त अल्लाह ताला ने बताई है कि तुम जो है तुम पर हराम की गई हैं, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ। ये जो है चौथे पारे की आखिरी आयत, और चौथे पारे की पहली आयत, जब तक तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च नहीं करोगे तब तक भलाई को नहीं पा सकते। ये पारा हमें पैगाम देता है कि एक मुसलमान की ज़िंदगी आज़ाद नहीं है कि वो जो चाहे करता फिरे, उसके ख्वाहिशात, उसका दिल, उसकी तमन्नाएं, बस दिल में जो आ रहा है वो करे, एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने मुसलमान को हुदूद व कयूद दिए हैं, बाउंड्री अल्लाह ताला ने बना दी है कि बस इसी बाउंड्री में रह करके तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है। एक अच्छा मुसलमान जब भी कुछ करने जाता है तो पहले ये देखता है कि मुझे इस काम के करने की इजाज़त है कि नहीं है, अगर है तो करता है और नहीं है तो नहीं करता है। और अगर ये नहीं देखता बस करूँगा मैं, कोई कुछ भी बोले, चाहे अल्लाह ताला उसको हराम बोले हो, रसूल हराम बोले हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले कर रहे हैं मैं भी करूँगा, तो फिर वो मुसलमान नहीं रह जाता। चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बातें की हैं वो देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहली बात तो यही कही है कि जब तक सबसे महबूब चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करोगे हरगिज़ भलाई को नहीं पा सकते, सबसे महबूब चीज़। अब ये बात जब आती है हमारे सामने तो हमको ऐसा लगता है कि बस माल, बेशक माल है, सहाबे किराम ने करके भी बताया है, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो वो भागे भागे आप सल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आयत नाजिल की है सबसे महबूब चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो तब भलाई को पाओगे, तब जन्नत मिलेगी, और मेरे नज़दीक मेरा जो सबसे महबूब माल है वो मेरा बैरहा बाग है, मस्जिद के पास ही था, ये बाग मुझे सबसे महबूब है, सबसे ज़्यादा आमदनी मुझे इसी बाग से होती है, और अल्लाह ने कहा है सबसे फेवरेट चीज़ दो, तो आज से मेरी ये फेवरेट चीज़ अल्लाह के रास्ते में मैं दे रहा हूँ। सोचिए, लोग आज फेवरेट चीज़ बचा के रखते हैं, भाई बहुत महबूब चीज़ मेरी है ये नहीं दूंगा, वहाँ फेवरेट चीज़ दे रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा कि बड़ा बेहतरीन सौदा है अबू तलहा, बहुत बेहतरीन सौदा है, वाकई में जन्नत को हासिल करने के लिए बड़ा बेहतरीन सौदा है, अल्लाह तुमसे खुश हो, राज़ी हो, तुम्हारे चेहरे मुमेरे फुफेरे भाइयाँ हैं गरीब हैं, हाँ या रसूलल्लाह सल्लम कहा उनमें तकसीम कर दो। आज हमारा और आपका आलम क्या है मालूम, सदको खैरात करते नहीं, और जो लोग करते हैं ना वो अपने लोगों में नहीं करते, क्यों, खुन्नस लेकर बैठे हुए रहते हैं, चचेरा भाई उसको तो बिल्कुल नहीं दूंगा, बाहर दे देते मगर अपने भाइयों को नहीं देते, बाहर दे देते मगर अपने रिश्तेदारों को नहीं देते, क्यों, दुश्मनी लेकर बैठे होते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा बोले थे, उन्होंने ऐसा कहे थे, उनके पास गया था तो ऐसा बोल दिए थे, फला काम में टांग अड़ा दिए थे, मेरे भाई आप अल्लाह के वास्ते दे रहे हो ना, अल्लाह के वास्ते दे रहे हो तो आप दो, उन्होंने क्या बोले थे क्या फर्क पड़ता है, आप अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं ना, और अगर आप दे रहे हैं दिखाने के लिए तो फिर तो ऐसा देना ना देना बराबर है, क्योंकि ऐसे पर तो सवाब ही नहीं मिलेगा। आप बहरहाल आगे हम देखते हैं, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकं व हुदल लिल आलमीन, 96 आयत नंबर है।
अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वही है जो मक्का शरीफ में, पहला घर। पहला घर कौन सा? खाने काबा। अल्लाह ताला का पहला घर इस दुनिया के अंदर खाने काबा है। कहाँ है? मक्का के अंदर। अल्लाह ने क्यों कहा मक्का के अंदर है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानने वाला ना, आगे के बारे में भी अल्लाह ताला जानने वाला है। अल्लाह को पता था बहुत सारे लोग बाद में आएंगे जो माल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, और दुश्मनी में या किसी वजह से अलग अलग जगहों पर अल्लाह का घर बोल करके बना लेंगे। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग खाने काबा का मॉडल बनाकर बैठे हुए हैं, वहीं हज कर ले रहे हैं, वहीं तवाफ कर ले रहे हैं, वहीं उमरा कर ले रहे हैं, बोल रहे वहां जाने की जरूरत क्या है। कितने सारे लोग आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे फला दरगाह के इतनी मर्तबा तवाफ कर लो तो हज यहीं हो जाता, फला बाबा का इतनी मर्तबा चक्कर लगा लो तो उमरा यहीं हो जाता। अल्लाह ताला को पहले ही पता था कि लोग ऐसा करेंगे, इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह का जो घर है जिसका तवाफ किया जाता है, जिसका हज उमरा जहां पर जाकर किया जाता है, वो कहां है? मक्का में है और कहीं दूसरी जगह नहीं है। अल्लाह ने पहले से ही मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ने ये भी कहा जो तमाम दुनिया के लिए बरकतों हिदायत वाला है। क्यों हिदायत वाला है? क्योंकि इसका बनाने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ने जिसको जरिया बनाया वो हिदायत का इमाम, हिदायत का पेशवा, हिदायत का लीडर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम है हिदायत के इमाम, हिदायत के पेशवा, हिदायत के लीडर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर जिक्र किया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आयत नंबर 102 के अंदर, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, जितना डरना चाहिए। अल्लाह ताला अगर इतना कहता कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, बात काफी थी। अल्लाह ने यह भी कहा जितना डरना चाहिए। ये जितना डरना चाहिए का मतलब क्या है? यानी जितना डरने का हक है उतना डरो। अल्लाह ताला से डरने का मतलब क्या है? क्या हक है डरने का? डरने का हक ये है कि हम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें, कभी ना फरमानी ना करें। पहली चीज, अल्लाह की हमेशा फरमा बरदारी, कभी ना फरमानी नहीं। हमेशा अल्लाह का जिक्र किया जाए, कभी उसको भूला ना जाए। हमेशा अल्लाह का शुक्र किया जाए, कभी उसकी नाफरमानी ना की जाए। अगर ये तीन चीजें जिस बंदे के अंदर दाखिल हो, उसने अल्लाह से डरने का हक अदा किया। ये तीनों चीजें जिसके अंदर हो, उसने डरने का हक अदा किया। फिर अल्लाह ने इस आयत के अखीर में कहा कि देखो मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक। कब मरेंगे हमको नहीं पता। हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हमारी पूरी कोशिश हो कि मरते दम तक हम मोमिन मुसलमान रहें, लेकिन अल्लाह ने अगली आयत के अंदर एक बात कही ना, अगर उस पर अमल करें बेहतरीन तरीके से तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस कोशिश में कामयाब होंगे, मरते दम तक मोमिन मुसलमान रहेंगे। आगे अल्लाह ने कहा फौरन इस बात के बाद कि देखो मरते दम तक मुसलमान रहना, उसके बाद ही अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा वातस्मु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकु। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकाबंदी मत करो। अल्लाह की रस्सी का मतलब किताब सुन्नत। इसको पकड़े रखोगे, पकड़े रखोगे फिरकों में नहीं बटोगे, इसको छोड़ दोगे फिरकों में बट जाओगे। इसको पकड़े रखोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तौफीक मिलेगी कि मरते दम तक मोमिन मुसलमान रहोगे। इसको छोड़ दोगे तुम मोमिन हो या मुसलमान हो कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो इस किताब सुन्नत को मजबूती से पकड़ना है, थामना है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वजह बताई कि फिरकाबंदी होती क्यों है। कोई जानता है फिरकाबंदी क्यों होती है? आज मुसलमान जो है इतने फिरकों में बटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि दूसरी कौमें 72 फिरकों में बट गई, यहूद व नसारा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, एक ज़्यादा। क्यों फिरका बंदी होती क्यों है? अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया फिरका बंदी क्यों होती। आयत नंबर 105 में अल्लाह ने फिरका बंदी होती क्यों है वो बताया। अल्लाह ने कहा वला तकूनू कल्लदीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात।
तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला। मालूम क्या हुआ, अल्लाह ताला यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि जब दलील आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए, रसूल की बात आ जाए, सही बात सामने आ जाए और फिर कोई रुख फेर करके चले नहीं मानता हूं, ऐसा है लेकिन मैं फला चीज को मानूंगा, तभी तफरका होता है, तभी फिरकाबंदी होती है। फिरकाबंदी तभी होती है जब सही बात का इनकार किया जाए, सही बात सामने है उसको छोड़ करके दूसरी तरफ रुख कर लिया जाए, तभी फिरकाबंदी होती है। यहां एक खास बात बताऊं मैं, जमाते अहले हदीस फिरका नहीं है, जमाते अहले हदीस फिरका नहीं है, जमाते अहले हदीस एक जमात है, सिफाती नाम है, सिफाती नाम यानी कुरान हदीस पर अमल करने वाली जमात। जरूरी नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मैं जमाते अहले हदीस का हूं तभी जन्नत में जाएगा, अमल जरूरी है। अमल आप करोगे कुरान और हदीस के मुताबिक तो आप जन्नत के अंदर जाओगे। जमाते अहले हदीस एक सिफाती नाम है, कुरान अल्लाह की किताब है, ये भी इसको भी हदीस कहा गया। हदीस माने बात, कुरान बोले तो अल्लाह ताला की बात। सूरतुल कहफ में अल्लाह ने कहा बिहाजल हदीस असफा, कुरान को अल्लाह ने हदीस कहा और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हदीस ही है। तो किताब व सुन्नत पर अमल करने वाली जमात को जमाते अहले हदीस, इसको फिरका नहीं कहेंगे, क्योंकि फिरका उसको कहते हैं जो हक बात छोड़ करके किसी दूसरी तरफ जाती है, उसको फिरका कहते हैं। हम तो लोगों को बुला रहे हैं कि आओ कुरान की तरफ भाई, आओ हदीस की तरफ, लोग भागे हुए जा रहे हैं तो वो फिरकाबंदी कर रहे हैं, हम फिरकाबंदी नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा फिरकाबंदी कब होती है, जब रोशन दलील सामने आ जाए फिर भी आदमी रुख फेर करके दूसरी तरफ चला जाए, वो फिरकाबंदी है। और हम तो लोगों को बुला रहे हैं कि आओ कुरान की तरफ, जो कुरान में लिखा हुआ उस पर अमल करो, जो हदीस में लिखा हुआ उस पर अमल करो, कुरान और हदीस को सहाबा ने जिस तरह समझा है उस तरह समझ कर अमल करो। तो हम फिरका नहीं बंदी नहीं कर रहे हैं, फिरका बंदी वो कर रहे हैं जो कुरान और हदीस का अपोजिट कर रहे हैं, अल्लाह की बात आने के बाद, रसूल की बात आने के बाद कहते नहीं हमारे इमाम साहब तो ऐसा बोले हैं ना, हमारे मसलक में तो ऐसा लिखा हुआ है ना, हमारे मुफ्ती साहब तो ऐसा बोल रहे हैं ना, तो वो फिरका बंदी कर रहे हैं क्योंकि कुरान और हदीस को छोड़ करके दूसरों की बात अपना रहे हैं। इसलिए जमात अहले हदीस को फिरका कहना ये गलत है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, बड़ी प्यारी बात है, समझने वाली बात है, जरा गौर से सुनो। अल्लाह ने 111 आयत नंबर के अंदर कहा लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार थुम्म ला युंसरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात कही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो दुनिया वाले तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई भी जरर, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय जबानी नुकसान के। जैसे मुसलमान दहशतगर्द हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो कि गलत बात है, जबानी यानी जबान से तकलीफ पहुंचा सकते। मुसलमान के अंदर जो कवानीन हैं, तलाक का मसला है, फला है, सब बहुत ही गलत है, औरतों पर जुल्म है, औरतों को पर्दे में रखकर मुसलमान जुल्म कर रहे हैं, इस्लाम गलत मजहब है, वगैरह वगैरह, सिर्फ जबान से नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाकी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। लेकिन आज तो इसका अपोजिट है, आज सिर्फ जबान से नुकसान नहीं है बल्कि आज तो वाकई में जगह जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान काटे जा रहे हैं, जलील और रुसवा किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि सिर्फ जबान से नुकसान पहुंचा सकते और कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते, खास तौर से यहूदी कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते तुमको, लेकिन आज तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना हर जगह। दरअसल ये बात उनके लिए कही गई है जो सच्चे मुसलमान। अब हम अपने आप को देखें, हम सच्चे मुसलमान हैं? अल्लाह ताला ने कहा सच्चे मुसलमान हो तो सिर्फ जबान से कोई नुकसान तुमको पहुंचा सकता है, हकीकी मानों में हाथ से नुकसान तुम्हें कोई पहुंचा ही नहीं सकता है। और आज अगर हाथ से हमें नुकसान पहुंच रहा है तो उसका मतलब यह है कि हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं, और वाकई में कहाँ मुसलमान है। आज सूद हम खाते हैं, है ना, हलाल हराम की तमीज़ हमारे पास नहीं, जहेज के नाम पर सताना और गलत माल हासिल करना हमारा शेवा बन चुका है, फिर भी हम शराफत की ज़िंदगी गुजारते हैं माशरे के अंदर।
जहेज लेकर के, गरीब का गला दबा करके, सारी चीजें रस्म और रिवाज कर करके पक्के सच्चे मुसलमान बनकर टोपी लगाकर रास्ते में घूमते हैं हम, लोग हमको सलाम भी ठोकते हैं, कैसे मुसलमान हैं? ये सारी बुराइयां हमारे अंदर होंगी तो क्या हम सही मुसलमान होंगे? ये बात अल्लाह ने कही है, बरहक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सच्चे मुसलमान। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कुरान हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कुरान कब पढ़ना ज्यादा अफजल है ये अल्लाह ने बताया। कोई बता सकता है कुरान कब पढ़ना ज्यादा अफजल है, बहुत अच्छा है, यानी कुरान पढ़ने का बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है या रात का वक्त? अल्लाह ने यही बात यहां पर कही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 113 के अंदर यही बात कही है कि लैसु सवाअन मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैल वहुम यस्जुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब के अंदर जो मुसलमान हो चुके उनका तस्करा करते हुए कहा कि उनमें ऐसे लोग भी हैं जो रातों के वक्त भी कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं, सजदे करते हैं, है ना। कुरान पढ़ने का बेहतरीन टाइम रात का वक्त है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसा उसकी शान है आसमानी दुनिया पर आता है, पहले आसमान पर और फिर उसके बाद आवाज़ लगाई जाती है, कोई मांगने वाला है मुझसे मांगे, कोई सवाल करने वाला है मुझसे सवाल करे, वो वक्त कुरान पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। मगर अफसोस उम्मत मुसलमान पर, हमारे पास बहुत टाइम मिला, बहुत टाइम मिला तो कब मिलता है मालूम? कब मिलता बताऊं? वो जमात ठहरने से 5 मिनट पहले जरा पारा उठा करके देख लेंगे, है नहीं? पारा सामने रखा हुआ रहता, उठा करके जरा सा एक सफा आधा सफा पढ़ लिए, दिल में सुकून हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान पढ़े हम 5 नमाजों में, अगर ऐसा पढ़े थोड़ा थोड़ा तो बहुत हो जाता। बस बहुत कोशिश किए तो यही करते हैं बस, इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग होंगे जो फजर की नमाज पढ़ कर ये कुरान पढ़ते हो, बाकी दिनों की बात मैं कर रहा हूँ साल भर की, है ना। बहुत कम ही लोग होंगे जो घरों के अंदर अपनी बीवी को बच्चों को जगाकर खुद बैठ करके बोलते होंगे कि फजर की नमाज पढ़ लो, फिर उसके बाद आधा घंटा बैठकर कुरान पढ़ना है, फिर जो काम करना है करो, घर के अंदर बरकत आती है इससे। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग। खाने में नमक कैसा डालते, उतने ही लोग सिर्फ होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के ताल्लुक से कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफा मुज़ाफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ, तो इसका मतलब घटा करके सूद खा लो, नहीं नहीं सूद खाओ ही नहीं। इससे पहले आयत गुजर चुकी ना सूरतुल बकरा के अंदर, सूद खाना हराम, सूद का देना हराम, सूद के बारे में लिखना हराम, सूद के बारे में कोई हेल्प करना हराम, सूद हराम है। अल्लाह ताला से डरो ताकि तुमको निजात मिले, सूद मत खाओ। अल्लाह ने यह भी कहा आगे, वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, यानी सूद खाओगे तो आग में जाओगे, जहन्नम की आग में जलोगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आयत नंबर 133 के अंदर, वसारिउ इला मग़फिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अपने रब के बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, मुसाबका करो, कंपटीशन करो, मुकाबला करो कि जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह अकबर, जन्नत, जन्नत की तरफ दौड़ो। आज हमारा कंपटीशन क्या होता है? हमारा कंपटीशन है वो एक बिल्डिंग बनाया मैं 2 बनाऊंगा, वो एक गाड़ी लिया ना मैं 2 गाड़ी लूंगा, वो ऐसा किया ना मैं वैसा करूंगा। इसमें पूरी एनर्जी हमारी होती है। अल्लाह ताला कह रहा है जन्नत के लिए कंपटीशन करो। इसीलिए मैंने जब रमजान की शुरुआत हुई उसी दिन दरस में कहा, अपने बच्चों को कंपटीशन में लगा दो, अभी से बोल दो कि घर के अंदर जो बच्चा ज्यादा कुरान पढ़ेगा उसको इंशाल्लाह चांद रात में 500 रुपये इनाम, 1000 रुपये इनाम, 200 रुपये इनाम। नेकी के काम में कंपटीशन लगा दो, जो जितना ज्यादा सूरतें याद करेगा और सुनाएगा उसको इतना इनाम। नेकी के काम में कंपटीशन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा एक बात और भी है कि वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है, अब वो शख्स कितना बदनसीब होगा जिसको कदम भी ना रखने दिया जाए जन्नत में। सोचो कितने बदनसीब होंगे ना, दुनिया के अंदर जन्नती वाला कोई काम किए नहीं, उनको जन्नत में कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा।
सीधा जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। वो कितने बदनसीब हैं कि इतनी खूबसूरत जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, लेकिन सिर्फ कदम रखने की जगह ना मिले उनको, कितने बदनसीब हैं वो। साहबे किराम इस जन्नत के लिए कॉम्पिटिशन करते थे, मुकाबला करते थे। मुझे वाकया याद आता है, गज़वे उहुद के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम जब निकले मदीना से लड़ने के लिए गज़वे उहुद में, तो आप सल्लम बाहर निकल कर देखने लगे, बहुत सारे बच्चे भी आ गए थे, देखिए शौक है ना, शौक, बच्चे भी आ गए थे। आप सल्लम ने कहा भाई बच्चे आ गए हैं, घर को वापस जाओ, तुम नहीं लड़ सकते, तुम नहीं लड़ सकते, तुम नहीं लड़ सकते। दो सहाबी उसमें थे जो वाकई में भी छोटी एज के थे, लेकिन लड़ने का जज्बा था, उनके माओ ने इसी तालीम दी थी, एक राफे बिन खदीज, दूसरे समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह तआला, दो सहाबी, वो लोग भी मौजूद हैं। आप सल्लम ने कहा बच्चे, बच्चों को जाने का हुक्म मैंने दिया था, तुम लोग अभी तक यहीं पर हो? तो राफे बिन खदीज बोले कि या रसूलल्लाह सल्लम, मुझे तीर चलानी अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छा तीर चला लेता हूँ, और सबको मालूम है कि मुझे तीर अंदाजी बहुत अच्छी आती है, तो मैं काम में आ सकता हूँ, मुझे लेकर चलिए। तो आप सल्लम ने कहा, मालूम किया हाँ बहुत अच्छे तीरंदाज हैं। तो आप सल्लम ने कहा ठीक है, ठीक है, तुम चलो। अब सबरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बच्चे थे, उन्होंने बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हों जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता, हम दोनों तो बराबर हैं इसमें। तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं, उनको तीरंदाजी आती है ना, जंग लड़ना आता है उनको, इसलिए उनको लेकर के जा रहा हूँ, अब तुम घर को जाओ। तो कहा नहीं नहीं, मेरे पास ताकत बहुत है, मैं इनको उठाकर पटक सकता हूँ। तो आप सल्लम ने कहा ठीक है, फिर मुकाबला कर लो। मुकाबला किया और वाकई में सबरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठाकर पटक दिया राफे बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आप सल्लम ने कहा ठीक है, तुम भी चलो। हालांकि वहाँ चॉकलेट नहीं बटने वाले थे, वहाँ मिठाई नहीं तकसीम होने वाली थी, जंग लड़ी जाने वाली थी, और इन दोनों लोगों को मालूम था कि वहाँ जंग होगी, क्या आलम होगा, लेकिन फिर भी दोनों जाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला का ये फरमान, वो सारी इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़ उद्दितल मुत्तकीन, दौड़ो उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, हासिल करो जल्दी से उसको। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 148 के अंदर एक बात कही, अल्लाह ने कहा फ़ाताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्ना सवाब आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखरत के सवाब की खूबी भी अता फरमाई। गौर कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने क्या बात कही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दुनिया के साथ सिर्फ सवाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दुनिया के अंदर बदला सिर्फ सवाब, लेकिन आखरत के का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया अल्लाह ने, तो आखरत के साथ सवाब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और हुस्न का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी आखरत का सिर्फ सवाब ही नहीं, आखरत का सिर्फ बदला नहीं, बल्कि जो बदला दिया जाएगा बड़ा खूबसूरत दिया जाएगा। इससे एक बात का पता चलता है कि आखरत के अंदर जो नेमतें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं, जो बदला तैयार कर रखा है, जो चीज़ें अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं, आखरत की चीज़ों की खूबसूरती और आखरत की चीज़ों के बिलमुकाबिल दुनिया की तमाम चीज़ें बदसूरत हैं। आखरत की चीज़ों के बिलमुकाबिल, जन्नत की नेमतों की चीज़ों के बिलमुकाबिल दुनिया की चीज़ों की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। हम दुनिया के अंदर कितनी बिल्डिंगें बना लें, हम दुनिया के अंदर कितनी गाड़ियां खरीद लें, गरचे हम कहें बड़ी शानदार गाड़ी है, बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत शानदार शहर है, बहुत शानदार चीज़ है, मगर आखरत की चीज़ों के बिलमुकाबिल दुनिया की हर चीज़ फीकी है, दुनिया की हर चीज़ जो है बदसूरत है आखरत की चीज़ों के बिलमुकाबिल, आखरत की नेमतों के बिलमुकाबिल। यहाँ जो है चौथे पारे में सूरह निसा की भी शुरुआत हुई है। सूरह निसा, सूरह निसा, निसा माने होता है औरत, क्योंकि सूरह निसा मदनी सूरा है, उसके अंदर औरतों के मसाइल बहुत सारे बयान किए गए हैं, इसलिए उस सूरत का नाम जो है सूरह निसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 180 आयत नंबर सूरह आल इमरान के अंदर ही एक बात कही, बड़ी बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। अल्लाह ने कहा जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो उसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ना ख्याल करें, ये ना सोचें कि बचा बचा कर रखूं, क्योंकि शैतान दिमाग में डालता है ना कि रखो खर्च ना करो, क्योंकि कल हार्ट अटैक आ गया तो, कल तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया तो, कल कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो, ऐसा बोल बोल करके कंजूसी की तरफ लाता है, बखीली की तरफ लाता है। तो अल्लाह ने कहा
कि जिनको अल्लाह ने कुछ दे रखा है वो अपने लिए कंजूसी को बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि कंजूसी नहायत बुरी चीज़ है, बदतर चीज़ है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी के वजह से जहन्नम के तौक डाले जाएंगे, अंगार डाले जाएंगे, हथकड़ियाँ डाली जाएंगी कंजूसी की वजह से कि अल्लाह ने दे रखा था मगर फिर भी जो है कंजूसी में लगे हुए थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कोई है यहाँ पर जो कहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं जाना है? दुनिया के अंदर हर चीज़ में इख्तलाफ है, हर चीज़ में, लेकिन मौत में किसी को इख्तलाफ नहीं है। थोड़ी बहुत अकीदतन अलग है, गैर मुस्लिमों का बाज अकीदा यह है कि आवागमन, हिंदी का लफ्ज़ है आवागमन, कि मतलब हम जाते कहीं नहीं हैं, बस मरते हैं और जिस्म तब्दील करते हैं, जाते हैं आते हैं जाते आते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मौत है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे, जैसा करोगे वहाँ वैसा मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया जो शख्स आग से हटा दिया जाए, क़यामत वाले दिन जो आग से बचा दिया गया, आग से हटा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आदमी जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। दुनिया तो सिर्फ धोखे की जिंस है, अल्लाह ने फरमाया उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया सिर्फ धोखे की चीज़ है बस। यहाँ की कामयाबी भी एक धोखा है, यहाँ की नाकामी भी एक धोखा है, यहाँ की खूबसूरती भी एक धोखा है, यहाँ की बदसूरती भी एक धोखा है, ये सब चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं। असल क्या है? कामयाबी नाकामी असल, आखरत की कामयाबी असल कामयाबी, आखरत की नाकामी असल नाकामी, असल नाकामी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ये कामयाबी हासिल करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब बनाए, बेहतरीन मुसलमान बनकर ज़िंदा रहें, दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों के काम आए, बेहतरीन इंसान बने, और आखरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी से हमकनार फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इनायत फरमाए।